बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइसेस का आसान सोल्यूशन इलेक्ट्रिक बाइक्स। ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम नियर एलपी स्टेडियम खान लतीफ खान स्टेट एबिट्स पर तशरीफ लाए, जहां पर आपके लिए बेहतरीन मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल दस्तियाब है। ओकाया 30 साल पुरानी इंडियन कंपनी है, जिनकी बैटरीज 38 मुल्कों को एक्सपोर्ट की जाती है। अगर आप पुलिस चालान और हेलमेट से परेशान हैं, तो आपके लिए इलेक्ट्रिक बाइक एक बेहतरीन रास्ता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है। मेरे भांजे मोहम्मद बिन उमर, जो 19 साल उनकी उम्र है, तो यहाँ पर हम जो जगह पे ठहरे हुए हैं, ये नवाब तालाब है जो लेक व्यू हिल्स बंडलागुड़े में लोकेटेड है। तो कल एग्ज़ाम लिखे, उनका पहला एग्ज़ाम था, डिग्री फर्स्ट ईयर में थे उन्हों। एग्ज़ाम के बाद घर पे आराम कर रहे थे, दो दोस्त आके जो है उनको तालाब को जाएंगे तीरने के लिए बोल के ले के आए। एग्ज़ाम लिख के आए थे, एग्ज़ाम लिख दिए थे सुबह। घर पे जोहर की नमाज़ पढ़ के रेस्ट कर रहे थे, उतने में दोस्त आके जो है तालाब को जाएंगे बोल के ज़बरदस्ती ले के आए साथ में, नहीं भी आना चाह रहा बच्चा। तो अब फिर यहाँ पे आने के बाद तीरना नहीं आता था बच्चे को, काफ़ी डीप है जगह ये और काफ़ी ख़तरनाक जगह है, जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते नहीं, वीरान जगह है, फिर भी तैरने के लिए आए। तो अब को 24 घंटे हो गए, आज 10 तारीख है गालिबन, कल 9 तारीख थी, 9 तारीख की 9:15 से 3:30 बजे के दरमियान जो है बच्चा डूब गया। यानी 24 घंटे हो गए, सर्च चल रहा, कल से सर्चिंग चल रही है। आज सुबह जो है DRF टीम जो है तेलंगाना की तरफ से, वो लोग सुबह 7 बजे से सर्चिंग में लगे हुए हैं। कंप्लेन तो कल जो लोग यहाँ के मकामी लोग थे, वो लोग पुलिस वालों को तभी इन्फॉर्म कर दिए। इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस वाले आए, वहाँ से कार्रवाई शुरू हो गई, कंप्लेन भी दिए। यहाँ पर आने के बाद घंटा दो घंटा कोशिशें करें, उसके बाद कंप्लेन दिए। तो CI साहब भी आके गए यहाँ पे, सर्कल का भी आना जाना लगे हुआ है, टीम भी कोशिश कर रही, लेकिन साथ में दो और दोस्त थे, बस्ती के ही बच्चे थे। लोग कहाँ हैं? हम उम्र है, अभी तो कस्टडी में है बच्चे, पूछताछ चल रही है उन लोगों के साथ। तो जो जगह पे डूबा बच्चा, वो जगह की जो है निशानदेही करे, तो वहाँ पे सर्चिंग चल रही, पानी जो है काफ़ी डीप है। इन्फॉर्मेशन था घर वालों को यहाँ पे आए हुए नहीं? यहाँ पे सिर्फ अभी आरूम बोल के निकले, फिर उसके बाद में जो है यहाँ से फ़ोन आया कि बच्चे के फ़ोन से ही पुलिस वाले फ़ोन करके ऐसा हो गया बोले, तो फिर फौरी जो है घर वाले पुलिस कुछ कार्रवाई करी इसके ऊपर, कार्रवाई करे, लेकिन ये कार्रवाई ना काफ़ी है, ये इसके अंदर इम्प्रूवमेंट, ये जो सर्च चल रहा है, ये ऑलरेडी 24 घंटे से ये सर्च चल रहा है, इसमें कुछ अपग्रेड होना, ये सर्च में कुछ और कुछ आगे की कार्रवाई होना चाहिए। यानी कि कुछ गोताखोर लोग रहना जो अंदर जाके सर्च कर, काफ़ी डीप है और दलदल भरी जगह है। नौजवानों के लिए क्या मैसेज होना चाहिए? मैसेज तो यही है कि बच्चे काफ़ी जो है पानियों की जगह वीडियोस वगैरह बनाने की चक्कर में, तैरना नहीं भी आया तो फोटो लेने वीडियो लेने की चक्कर में उतर जाते। उनके लिए क्या मैसेज देना? उनके लिए यही है कि जो चीज़ आप नहीं कर सकते वो मत कीजिए। आपको तैरना नहीं आता था बच्चे को, ये गालिबन पहली बार तालाब में तीरने आया बच्चा। अब ये आगे हुआ क्या, असल इंसिडेंट क्या है, वो तो साथ में दो जने जो लोग हैं उनसे पूछताछ चल रही पुलिस की तरफ से, अभी वो कंप्लीट रिपोर्ट हमको भी नहीं मिली। आज शाम तक इंशाल्लाह वो भी मालूम पड़ जाएगा आखिर हुआ क्या था एग्जैक्टली।